नाम सुना है केसरी सिंह बाल्ट, जोरावर सिंह बाल्ट, प्रताप सिंह बाल्ट और इनके साथ में साथ इनके जा माता यानी कि केसरी सिंह के जवाई ईश्वरदान आशिया और इनकी बेटी नगेंद्र बाला, एक पूरा का पूरा परिवार जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। ऐसा हिंदुस्तान में दो ही परिवार हुए जिन्होंने अपने पूरे परिवार का आजादी के लिए बलिदान दिया। एक गुरु गोविंद सिंह का परिवार जिनके चारों बेटों को दीवार में चुना गया था और स्वयं ने भी फिर खालसा पंथ की स्थापना करके और उन्होंने कहा था कि मैं मरना मुझे कबूल है, धर्म के लिए धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी चुनौतियां आए लेकिन झुकूंगा नहीं। तो उन्होंने वो कहा था उनका एक चिड़िया से मैं बाज लड़ूं तभी मैं वो गोविंद सिंह कहलाऊं, ऐसी कुछ कहानी के रूप में गुरु गोविंद सिंह के बारे में बहुत कुछ। और उन्होंने सिख धर्म के अंदर वो क्रांति भर दी कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे सिर कटाना पड़े लेकिन पीछे नहीं हटना। और उन्हीं के लिए सेठ टोडरमल ने एक जमीन खरीदी थी, कहते हैं कि दुनिया में उससे महंगी जमीन आज तक किसी ने नहीं खरीदी। पंजाब के अंदर एक चलता है गेट लगा हुआ था सेठ टोडरमल, टोडरमल करके थे, क्योंकि मुगल सत्ता के अंदर जब दफनाने की बात आई जगह के लिए जहां पर, तो उन्होंने जगह जमीन देने से मना कर दिया और उस जमीन की कीमत तय की गई थी। अब मुझे वो एग्जैक्ट उसका आंकड़ा पता नहीं है लेकिन वो उस समय खरीदी गई दुनिया की सबसे, वो कितनी चाहिए थी उतनी जगह को खरीदने के लिए उन्होंने अपना सारा धन, और वो धन का क्या था कि उसमें जमाए गए थे सिक्के उस समय अशरफियां, और वो पूरे सिक्कों की कोई संख्या हुई थी, उसकी तुलना आज करें तो वो अरबों खरबों रुपए में बैठती है। तो इतनी सी जमीन के लिए इतनी बड़ी कीमत दी थी क्योंकि अपने गुरु को सम्मान दिलवाना था इस माटी में। ऐसा इसका बाल्ट परिवार भी क्रांतिकारी गतिविधियों से शुरू से शिक्षा ही ऐसी हुई थी। शाहपुरा में जन्म हुआ था तो शाहपुरा के एक तरह से इनको जागीर मिली हुई थी, मेवाड़ से संबंधित थे और तो बढ़िया इनको था, हवेली मिली हुई थी, अच्छे खासे भले परिवार में थे, कोई धन दान की कमी नहीं थी, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं, रहने के लिए आलीशान तरीका और सब वही जागीरदार वाली रूप में रह सकते थे। अगर चाहते तो अन्य जागीरदारों की तरह ही अंग्रेजों के साथ समझौता करके ये भी अपने आप आराम से हवेली में रह सकते थे। लेकिन इनके अंदर जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, पिताजी कृष्ण सिंह जी मेवाड़ के बड़े इतिहासकार रहे थे, उन्होंने उनको हमेशा स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया क्योंकि मेवाड़ भूमि ही ऐसी है जहां से क्रांति की ज्वाला निकलती है। हमें जब भी कभी जरूरत पड़ती है कि क्रांति की जरूरत है और किसी का उदाहरण लिया जाएगा तो सर्वप्रथम मेवाड़ भूमि का लिया जाएगा, और मेवाड़ भूमि में बलिदान करने वाले उन राजाओं का, उन वीरों का लिया जाएगा जिसमें प्रताप का नाम सर्वोच्च ऊंचा लिया जाता है। प्रताप का बलिदान एक प्रेरणा देता हमें नहीं, न केवल राजस्थान को, न केवल भारत को, बल्कि विश्व के कई ऐसे छोटे छोटे देश है जो प्रताप की कहानी से प्रेरित होकर के विश्व की बड़ी महाशक्तियों के सामने लड़ते, उसमें एक वियतनाम का नाम है। वियतनाम एक छोटा सा देश है जिसने दुनिया की हर ताकत के सामने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका और चाहे चीन हो, और अभी तक कभी पराजित नहीं हुए। एक कहानी आती थी बीच में कि प्रताप की उस मिट्टी के दर्शन करने के लिए यहां पर आए थे हल्दीघाटी, वहां के विदेश मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान की उस भूमि ले चलिए जहां प्रताप योद्धा हुए थे। तो क्या करेंगे, वो एक हेलीकॉप्टर के साथ आए थे, क्यों मेहमान के तरीके से जब उनको ले जाया गया वहां पर उतारा तो उन्होंने कहा कि इस मिट्टी की दो तीन कट्टे भरो हल्दीघाटी के, इस मेवाड़ की भूमि को मिट्टी में मेरे देश में ले जाकर के बिखेरूंगा जहां पर प्रताप जैसे योद्धा पैदा होंगे। तो ये ताकत भरने का काम किसी भूमि में है और वो ऊर्जा है तो मेवाड़ की भूमि में, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था। इसलिए जब मेवाड़ के महाराणाओं ने अधीनस्थ सिंधिया की तो बहुत सारे साहित्यकारों ने उसको धुतकारा भी था। इधर देखो, थैंक यू। मैंने देखा कोई बड़ा ऐसा कोई काम बीच में और डाला, वनपाल वाले की चर्चा करूंगा क्लास के बाद, अपन पूछ लेंगे। ओके थैंक यू। अभी क्या माहौल जिस रूप में चल रहा है तो बीच में चिट्ठी आती है ना तो उस ट्रैक से हम हट जाएंगे। मैं कहना क्या चाहता था, केसरी सिंह बाल्ट ने भी अपने पुत्र का नाम प्रताप इसलिए रखा कि आप में प्रताप जैसे ही गुण आए। तो केसरी सिंह बाल्ट ऐसी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस, अब आप पढ़ चुके हैं ना इतिहास तो कहानी अपने आप आपको समझ में आती रहेगी। रास बिहारी बोस ने जब क्रांति का आयोजन करने के लिए राजस्थान आए, राजस्थान में जब बात की जाती है, देखो क्रांति में सबसे पहले उन्होंने कहा था
कि क्रांति की गतिविधियों में भाग लेने के लिए सबसे जरूरी है अपना त्याग करना पड़ेगा। त्याग का मतलब एक सिर कटाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ऐसे देश आजाद नहीं होगा कि मैं आया और आप आकर के इकट्ठे हो गए और मैं बात करके चला गया। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो इस क्रांति में आहुति दे सके। तो पूरी यूं आपकी तरह सभा मंडप बैठा हुआ था, उस मंडप के अंदर उन्होंने रजिस्टर रखा बाहर कि बताइए। उन्होंने अपनी बात रखने के बाद कहा कि आप इस क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सा परिवार भाग लेना चाहता है, कौन सा व्यक्ति जो पहला अपना नाम इस रजिस्टर के अंदर दर्ज करेगा कि मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए देने के लिए तैयार हूं। जब बात आई ना, वही बात होती कि भगत सिंह के बारे में सब पूछना चाहते कि मुझे भगत सिंह की कहानी सुनाओ, भगत सिंह ऐसे थे, भगत सिंह वैसे थे। लेकिन जब बात आती कि भगत सिंह बनेगा कौन, तो क्या वुडलैन बनाओ, वो पड़ोसी को बना दो, अपना नाम कोई नहीं, वो नीचे ही झुक जाते हैं। क्रांति की जब बात आई और उन्होंने कहा कि पहला व्यक्ति नाम कौन लिखाएगा, तो सबने यूं ही नीचे से देखना स्टार्ट किया कि पहलो नाम लिखाना, मतलब पहलो बलिदान। केसरी सिंह बार्ट उस समय उम्र दराज भी थे, उम्र भी थी, क्योंकि 1872 का जन्म था और ये 1914 तक की घटना है। उन्होंने खड़े होकर के कहा कि पहला नाम मेरा लिखिए, केसरी सिंह बार्ट। उन्होंने हस्ताक्षर करके लिखे। राज बिहारी बोस ने कहा, तालियां बजी सभागार में, पहला व्यक्ति खड़ा हुआ। फिर पूछा कि दूसरा नाम किसका लिखाया जाए, फिर वही स्थिति, सभा मौन, दूसरों भी कोई लिखना तैयार। उसने कहा मेरे भाई जोरावर का लिखो, जोरावर सिंह खड़े होकर के आगे। तीसरा नाम बालक उस समय प्रताप बहुत छोटा था, लेकिन वो भी सभागार के अंदर बैठा था, फिर भी इधर उधर देखा राज बिहारी बोस ने, कोई उठने के लिए फिर तैयार नहीं। उन्होंने कहा तीसरा नाम मेरे बेटे का लिखिए, चौथा नाम किसका लिखा जाए। चौथा नाम भी इधर उधर देखा, कोई उठने वाला। उन्होंने कहा मेरे जवाई का नाम लिखिए। देखो, अपने परिवार में भाई को हम दे सकते हैं, बेटे को दे सकते हैं, लेकिन बेटी का सुहाग देना सबसे बड़ा, यूं अंदर से है ना झिझक हो जाती, सोच करके देखिए। उन्होंने कहा ईश्वरदान का नाम लिखो, ईश्वरदान आशिया। राज बिहारी बोस सोचने लगे इस माटी के अंदर ऐसा क्या दम है। तो एक परिवार आ गया, तो उनको लगा कि हो सकता कहीं नाम ही हो ना। फिर उन्होंने पूछा, देखा कहानी क्या है, तो उन्होंने चेतावनी के चुंगटिये समझ रखे थे, क्योंकि ये पहले से काम कर रहे थे और क्रांति का काम उस समय भी काम चल रहा था जब 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, एडवर्ड सप्तम के समारोह के लिए, उनका ताजापोशी के लिए। वहां पर वो बन गए थे प्रिंस, राजा। तो उस राजा के सम्मान के लिए दिल्ली में लॉर्ड कर्जन ने बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा था और उसके अंदर सभी रियासतों के शासकों को आना था। मेवाड़ के महाराणा की भी कुर्सी वहां पर पास में बीच में लगाई हुई थी, क्योंकि राजस्थान से आने वाले शासकों में सबसे बीच में किसका स्थान था, मेवाड़ का महाराणा। अकबर ने भी ऐसा दरबार लगाया था जिसमें महाराणा प्रताप को जाना था। सेम कहानी बनती है। तब जो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि अगर मेवाड़ का महाराणा चला गया ना इस दरबार में, तो फिर क्रांति के मायने खत्म हो जाएंगे। ये भूमि ही है एक, जहां से आस है हमें, जहां से कुछ उम्मीद है, जहां से कुछ आशा की किरण है कि यहीं से कुछ निकलेगा और पूरा चमत्कार होगा। अब ये भी जा रहे केसरी सिंह बार्ट को, बार्ट जी ये भार आपको उठाना पड़ेगा, आपकी कलम में वो ताकत रही है हमेशा, सदियों से आपके आपका परिवार इस तरीके का काम करता आया है और चारणों की कलम ऐसी चली है कि जब जब जरूरत पड़ी है तब उन्होंने क्रांति के गीत लिखे है। तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। टिकट बुक हो चुकी थी, गाड़ी चल चुकी थी, शाही सवारी आई थी, स्पेशल गाड़ी भेजी गई थी, महाराणा मेवाड़ उसमें बैठ करके दिल्ली पहुंच गए। लेकिन तुरंत उनको पत्र पहुंचाने के लिए एक माध्यम संदेश वाहक को भेजा गया कि दिल्ली पहुंच करके आप फतेह सिंह को केवल ये पत्र भेज दे देना हाथ में कि ये केसरी सिंह बार्ट ने भेजा, बाकी आपका काम कोई जरूरत नहीं। चेतावनी की चुंगटिये लिख करके 1300 लिखी थी। दो पंक्तियां उसकी भी है कि पग पग भूमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय वश्या इंद्रे। आप उन पूर्वजों की संतान हो जिन्होंने अपनी भूमि के लिए महलों को त्याग दिया, पतलों में खाना स्वीकार किया, बाल नहीं कटाई, नाखून नहीं कटाई, प्रतिज्ञा ऐसी की कि जंगल में रहूंगा, केस नहीं कटाऊंगा, जब तक मेरी मेवाड़ भूमि आजाद नहीं होती है तब तक न तो मैं केस कटाऊंगा
ना नाखून कटाऊंगा कश्मी ली जाती है, ना थाली में भोजन करूंगा स्वर्ण की थाली में भोजन करता राजा। उनके पास कमी नहीं थी वैभव की, महलों में नहीं रहूंगा जब तक मेरी मेवाड़ भूमि जो है आजाद नहीं होती है। और प्रेरणा आप देखिए कि प्रेरणा कहां से मिलती है, एक लोक वार्ता आती है कि एक पति और पत्नी जब महाराणा मेवाड़ महाराणा प्रताप जंगलों में रह रहे थे, अरावली की पहाड़ियां कभी आप जाकर के देखना, साबरमती नदी चलती है वहां से चल करके फिर गुजरात की तरफ जाती है, उसके आसपास उनको रोका गया था। तो एक पति और पत्नी उस रास्ते से जा रहे थे तीज के त्योहार में, और उनकी शादी को कोई 12-13 साल हो गए थे। उस 12-13 साल के अंदर वो पहली बार जब उस पहाड़ों से होकर के निकल गए थे तो उनको पता था कि यहां पर महाराणा प्रताप है, और महाराणा प्रताप ऐसी जगह रह रहे थे ताकि कोई देख नहीं पाए, संदेशा नहीं पहुंचाए, कि कहीं से कोई धोखा भी हो सकता है, तो सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना था। तो आसपास में सुरक्षा के लिए कुछ लोग भी नियुक्त थे। वो दोनों जा रहे थे तो उनको पकड़ कर लाए, पूछा भी आप कौन हो, तो कहा हम भील है। यहां कैसे, तो यहां तीज का त्योहार है, हम ससुराल जा रहे हैं, आप थोड़ा सा परिचय दे, हम महाराणा प्रताप, तो के हमें राजा जी के भगवान के दर्शन करने हैं। उन्हें महाराणा प्रताप को पूछा गया कि दो ऐसे लोग हैं जा रहे हैं, उनसे आपसे मिलना चाहते हैं। प्रताप ने बुलाया उनको कि बुलाओ मेरे पास। आए तो उनका अभिवादन जिस तरीके का जनता का था वो किया, बैठाया और बैठ करके जो मनवारी हुई उनकी हुई। पूछा भी आप कौन हो, तो के हम भील जाति के। आप दो, तो हम दो। ये शादी कितना साल हुआ, विवाह को कितने साल हुए, तो 13 साल। कोई संतान, क्योंकि संतान का नाम आए ना परिवार का बात आती है तो चेहरा उतर जाता है, कि जिस परिवार को पता है कि जिसके परिवार में संतान नहीं हो उसका दर्द वो पति पत्नी ही जान सकते। उन्होंने पूछा तो कि संतान नहीं, क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तब तक उन्होंने पहचान के तौर पर पूरा नहीं था कि ये महाराणा प्रताप मेरे से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब शादी की थी उस शादी की रात कसम ली थी कि जब तक मेरा मेवाड़ का महाराणा महलों में नहीं लौटेगा, जब तक मेवाड़ का महाराणा को मेवाड़ की धरती नहीं मिल जाती वापस, हम आजाद नहीं हो जाते हैं, तब तक हम जो पारिवारिक सुख है, जो विवाह का सुख है, उसका भोग नहीं करेंगे। और 13 साल से हम अपनी प्रीत इस रीत को निभा रहे हैं, इस प्रतिज्ञा को निभा रहे। महाराणा प्रताप के एक एक रोंगटा खड़ा हो गया कि मैं जनता मुझे कितनी चाहती है। उस जनता की चाहत के पीछे उन्होंने कसम ले ली कि जिस जब तक मेरे मेवाड़ को मैं आजाद नहीं कराऊंगा, इस जनता का जब तक सुख नहीं लौटाऊं, तब तक मुझे इस वैभव की चाह नहीं है। तो ऐसी भूमिका महाराणा जब वहां पर चला गया तो उन्होंने कहा कि आपके ही पूर्वज महाराणा प्रताप थे। दोहे में लिखा कि पग पग भ्रम्या पहाड़, पहाड़ों में घूमे नंगे पैर, धरा छोड़ राख्यो धर्म, अपनी धरा को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए महल छोड़ दिए। महाराणा मेवाड़ हृदय बसा इंद्र, ऐसे महाराणा थे जो जनता के पूरे भारत के हिंदुस्तान के हृदय में बसे हुए। और एक आप हो, वो 13 सोरठी जब वहां पर पहुंचे पढ़ करके, फतेह सिंह ने उसी जगह कैंसिल कर दिया कि नहीं दरबार में तो नहीं जाऊंगा, कुर्सी खाली रही। राजा आए, उनसे पूछा कि महाराणा आने वाले थे, रेल पहुंच गई थी, आई क्यों नहीं। तो फिर पता चला कि एक बार्ड जी ने कागज भेजा है 13 चुनाव, और वो चुंगटिए जब पहुंच करके बैठे। 1914 में केसरी सिंह बार्ड के पूरे परिवार को हवेली से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि उस समय तक परिवार का कोई सदस्य वहां पर नहीं था, केवल केसरी सिंह की पत्नी माणिक कंवर अकेली थी वहां पर, न प्रताप वहां पर, न जोरावर वहां पर, न केसरी सिंह बार्ट वहां पर, न ईश्वरदान आशिया वहां पर। तो परिवार में केवल महिला ही बची, एक जोरावर सिंह की पत्नी, एक केसरी सिंह की पत्नी, और उनको कहा कि हवेली खाली कर दीजिए। उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया, 2 चीजें लेकर के गए थे, एक करणी मां की मूर्ति जिसकी पूजा करते थे, और एक पांडुलिपि जो कृष्ण सिंह जी ने इतिहास लिखा था मेवाड़ का, वो ले जाकर के कोटा अपनी रिश्तेदारी में। बाद में उनका सारा जीवन कोटा में बीता। वारे जोरावर सिंह की पत्नी अनूप कंवर का दर्द देखिए, जब जोरावर सिंह क्रांति के लिए निकले उनको पता था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और अंग्रेज सरकार जीते जी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। 1939 तक वो गुप्त रूप में रहे, साधु के वेश में जीवन बिताया।
तो आपको पता है कि परिवार का सदस्य कोई फरारी में हो, आप महसूस करके देखिए, वो घर नहीं आए तो उस घर की क्या हाल हो सकते हैं? क्या बुखार नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी? जीवन के अंदर कई संकट आते हैं, उस संकटों का सामना उस पत्नी ने किया। वो कभी कभार महीने, चारों महीने, 12 महीने में एक रात के लिए आते थे, लेकिन उनका मिलन इतना था कि पति और पत्नी केवल नजरों भर से देखते थे, इससे आगे इसलिए क्योंकि परिवार को नहीं बढ़ा सकते थे। पता चल जाएगा कि ये परिवार बढ़ा कैसे। पत्नी ने कहा कि आपका जीवन अनमोल है, और उन्होंने कहा मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरे भाई के सामने कसम ली थी कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा तब तक मैं इस स्वतंत्रता की बेली पर चलता रहूंगा। तो मुझे आप जैसी पत्नी ने अगर संबल नहीं दिया होता, तो आपको पता है कि घर में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। त्याग जितना जोरावर सिंह ने उस साइड किया, उतना इस साइड उनकी पत्नी अनूप कौर ने किया था। और उन्होंने कहा था कि मुझे परिवार की कोई चाह नहीं होती, आम पत्नी कैसा निर्णय ले ले कि मेरा परिवार नहीं हो, मेरे बच्चे नहीं हो। लेकिन उन्होंने पूरा जीवन इस बात के लिए, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि यहां संतान हुई है तो किस कारण से। उन्होंने उसको मृत बताया अपने पति को, मेरा पति है ही नहीं, इसलिए मैं अकेली रह रहा हूं। पूछने के लिए आते थे, हर दिन टीमें घूमती थी कि आज जोरावर आ जाए पकड़ू, आज जोरावर आ जाए तो पकड़ू। लेकिन उनको कभी भी तब उन महसूस हुआ कि इतने सालों में अकेले है, इसका मतलब क्या है कि जोरावर इस संसार में नहीं है। लेकिन बाद में 1939 में निमोनिया में मृत्यु हुई, समाचार थे परिवार के पास ला करके। ऐसे परिवार ने त्याग किया। उनके बेटे प्रताप सिंह को पकड़ा गया। प्रताप सिंह के ऊपर यह था कि उन्होंने बनारस कांड में उनका नाम आया था, छोटे से थे, उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, और उस उम्र में पकड़ करके ले गए, ले जाकर के बरेली जेल में कैद किया गया। कैद करने के बाद जो पूछताछ वाला ऑफिसर था क्विलैंड, उन्होंने उसको पहले तो बुरे तरीके से मारा, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर एक बच्चा है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उसके ऊपर, माँ का, पिता का, परिवार का ऐसा लालच दिया जाता है ताकि बच्चा है तो पिघल जाएगा। आप सोच करके देखिए, अगर 17, 18 साल का, 16 साल का, 17 साल का जवान उसके सामने पीटने के, मारने के बाद, विपरीत परिस्थितियों के बाद कह दे कि तेरी मार हो रही है, जो माँ की कोख से जन्म लेकर के जब उस निकले थे तो धोती के 3 रुपए लेकर के निकले थे, फटी हुई धोती थी, माँ आज मैं घर त्याग रहा हूं और मुझे तो मेरी धोती के लिए 3 रुपए दे दिए, बाहर जाएंगे तो बच्चे कुछ देखेंगे, क्रांति करने जा रहा, पहनने के लिए कपड़े नहीं। माँ ने उधार ला करके 3 रुपए की धोती दिलवाई थी, उस धोती को पहन करके निकले थे और वापस वही लाश उसी में लिपट करके आई थी घर में। क्रांतियां छोटी मोटी चीजों से होती नहीं। उनको कहा गया, उसके बाद कहा कि आपकी माँ रो रही है, और अपनी माँ को अगर आप सुख देना चाहते हो, हम आपको फ्री कर देंगे, केवल हमें 2-4 नामों की जरूरत है, वो बता दो। प्रताप ने कहा था कि मेरी माँ एक है, अगर वो एक माँ रोए तो रोने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हजारों भारतीयों की माता को नहीं रुलाना चाहता हूं। फिर उनको लेकर के गए, केसरी सिंह हजारीबाग जेल में थे, प्रताप को वहां से निकाल करके रेल में बिठा करके हजारीबाग जेल ले गए कि अंतिम तौर पर आपके पिता के सामने मिलवाते। दोनों को पता था, अंग्रेजों को पता था कि भारतीय भावनात्मक है, और आपस में जब मिलेंगे तो या तो पिता टूट जाएगा या बेटा टूट जाएगा। केसरी सिंह को बाहर लाया गया, प्रताप को सामने लाया गया और कहा गया, केसरी सिंह को यह वाक्य कहा गया और प्रताप को भी कहा गया कि देखो आपका पिता जेल में, ये हाल है, बुढ़ापे की उम्र है, ऐसी स्थिति में, और आप इनको बाहर निकालना चाहते हो तो अब अंतिम तौर पर हमें नाम बता दो। केसरी सिंह ने एक शब्द कहा कि देख बेटा, अंग्रेजों की गोली हो सकता है निशाना चूक जाए, तुझे तेरे बाप की बंदूक का निशाना पता है बचपन से ही, मैं छूटते ही पहली गोली तेरे सिर में दागूंगा अगर तूने किसी का नाम ले लिया तो। ये होती सुदृढ़ता, दृढ़ता, क्रांति ऐसे आती तब आती, नहीं तो कोई परिवार ऐसे ही बलिदान नहीं होगी। स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा बलिदान किया तब जाकर के देश के अंदर क्रांति आ जाती, उसके तब गीत गाए जाते हैं, नहीं तो गीत किसी के गाए ऐसे ही नहीं जाते। गीतों में नाम आना और भीतों पर नाम चढ़ना, ये दोनों काम जब आप अच्छा कार्य करते हो तो आते। भीतों का मतलब है शिलालेख के ऊपर जब आपका नाम अंकित किया जाए, लिखा जाए, तो आपने बड़ा काम किया है। गीतों में आप गाए जा रहे हो, आम जुबान पर आपको गाया जाता है, इसका मतलब आपने कोई बड़ा काम किया। जिस पूरे परिवार ने त्याग किया इतना बड़ा, उस परिवार के लिए जीवन में देश सेवा के अलावा कुछ नहीं था। अगर वो चाहते
तो वो आराम के साथ रह सकते थे, शाहपुरा की हवेली नहीं छोड़नी पड़ती और जीवन पर्यंत सुख के साथ रह सकते थे, क्योंकि ऐसे विचारवान और विद्वान व्यक्तियों को हर जगह स्थान मिलता है। लेकिन उसने राष्ट्र सेवा को